इधर आराम से बैठो, सीधे होके इधर सीधे होके बैठो, आराम से आगे आके बैठो बेटा। पर नहीं, फिर पापा गुस्से होंगे, आप इस तरह लेट रहो फिर पापा गुस्से होंगे। क्या हाल है आप सबका, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और जी अभी हमने बहुत सारे काम कर लिए हैं, वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। ट्यूशन छुट्टी हुई इसको जी, ट्यूशन से आज फिर छुट्टी बाबा ने करवाई है, और अब ये कल मार खा के ट्यूशन जाएगा। मार खा के जाओगे बाबा तो मुझे छुट्टी था। कह रहे जी बाबा ने बाबा को कॉल की है मैंने कि मुझे छुट्टी करवाओ, और इसने बाबा को कॉल करके छुट्टी। कल फिर को होगे, कल तो मैंने आपको फोन, आपको देखना आपका जो मोबाइल है वो भी नहीं मिलेगा आपको। मैं आप अपने अंदाज में रखो, जहाँ मर्जी रखो, मुझे पता चल जाएगा, देख लेना। मैं फोन है? मैंने नीचे निन्नो दास। आपने नीचे निन्नो की थी? चाचू पैसे अच्छा जी, ये जी एटीएम आया, एटीएम करना है हमने, अभी अंदर है कोई तो ये यहाँ पे शरारते लगावा करना है। गिर जाओगे आप, कोई प्लाजा बन रहा है। 10 साल जाना है आपने, थप्पड़ खाना है आपने। मेरी सी अच्छी थोड़ी है, थोड़ी है, अभी बताते हैं बाबा को। मैंने चीजें रख ली हैं, लेकिन वो ना बाबा आके खुद ही चेंज करवाएंगे उनसे। ये देखे जी, यहाँ पे अब हम रुके हैं, वहाँ से हम एटीएम करके आप सब्जी वाली दुकान पे आए हैं। आपका पोलर लाजमी होता है, जरा बताओ ना मुझे, ये बताओ ना जरा, इस बच्चे के दांत देखें जी, हैं इस बच्चे के दांत देखें जरा। ये मेरी ब्लॉगिंग जाना जान मुझ के खराब करता है, देख लें ये जो बच्चा है ना, ये वाला ये मेरी ब्लॉगिंग खराब करता है। ऐसे सब्जी लेने लगे, सैलड का थोड़ा सा सामान लेना, और जी मुझे घिया चपनी नजर आ गई है वो लेनी है। बस जी, ये बच्चा बात नहीं करने देता, वहाँ से एटीएम आज बाजी आई। हाँ जी, बाजी काम करके चली गई थी तो बस। आज तो उनकी छत पहन बाजी, जब कल आएंगी ना देख लेना। बस जी, यहाँ से सब्जी लेके अब घर जा रहे हैं। ये छोटे छोटे काम जो है ना, यही बहुत टाइम लगा देते हैं। बस ये बुक्स लेनी थी, यहाँ से थोड़ी सी सब्जी लेनी थी, और एक मेरा जो जूता है उसकी सिलाई निकल गई थी वो लगवानी थी, और बिल्कुल न्यू था, पहली दफ़ा ही पहना था। बस वो जो रेलवे स्टेशन का, शायद आप लोगों में से जो मुझे देखते हैं रेगुलर, इतनी बड़ी तो यूट्यूब मतलब इतनी बड़ी तो यूट्यूब की मेरी अभी फैमिली नहीं बनी, गिने चुने ही हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी बन जाएगी। लेकिन जो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि जब मैं रेलवे स्टेशन का जो ब्लॉग डाला उसमें हम चले थे जी ट्रैक पे, और वो पत्थरों पे मैंने पाँव जिस तरह चलाए हैं ना मुझे पता है, और उससे मेरा सारा नया जो जूता था ना वो खुस्सा था मेरा, मैंने पहना हुआ, जोगर नहीं पहने थे क्योंकि पता ही नहीं था कि अचानक ही प्लान बन गया, तो वो जी मेरा सारा जो है ना जूता खुल गया था, तो वो बस सिलाई करने के लिए दिया है, और एटीएम की है। बस ये छोटे मोटे काम थे, और बस इसमें ही सारा दिन, तकरीबन हम 3 बजे के निकले हुए हैं, और इस टाइम जी टाइम हो गया है 4:30। मैंने शू नहीं जाई, परसों जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कल आपने स्कूल जाना है कि नहीं जाना। आज बाबा साथ निन्नो था, आप बाबा के साथ निन्नो करो, जिस मर्जी के साथ निन्नो करो, जाना तो आपने स्कूल ही है, ठीक है। नहीं, कोई लेट कार्ड नहीं आया था, झूठ मत बोलो। अच्छा, सबसे पहले कार्ड आपका आया था। अच्छा जी, घर हम आ गए हैं, और ये जी हम लेके आए हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बुक्स स्कूल्स में नहीं लगा रहे, अभी नहीं लगी हुई, मतलब बुक्स आ नहीं रही, तो इस वजह से। तो ये जी एक बुक आई है इसकी, मोहम्मद अहमद की, उर्दू की। तो अब ये उन्होंने, स्कूल वालों ने आज कहा था, तो फिर बस मैं आज ये लेने चली गई। साथ में ये जी मोहम्मद मुस्तफ़ा की स्केच बुक लेने चली गई थी, और साथ में उसको जी कंप्यूटर के लिए एक रफ़ कॉपी चाहिए थी मोहम्मद अहमद को, तो बस ये लेके आए हैं। और जी मैं आपको दिखाती हूँ और क्या लेके आए हैं। ना बेटा ऐसे नहीं, ध्यान से, सारी पेंसिल्स आ जाएंगी। और एक ये पेंसिल्स का, इसमें जी कलर है ना, ये देखें,
रेंगो रेंबो रेंबो क्या कह रहे थे मोहम्मद मुस्तफा आप? रेंगो, ये जी रेंगो वाली पेंसिल्स हैं इसकी। एक मिनट बेटा ठहरो, ये इसने लिए हैं। और ये जी पेंस, ये पेन मैं जितने मर्जी घर में रख लूँ, मैं पूरा पैकेट लेके आई थी, दूसरे से तीसरे दिन मुझे पैकेट नहीं मिलता, हालांकि मैं छुपा के रखती हूँ। और एक जी ये स्टेपलर लेके आई हूँ, ये भी इन्होंने मेरे पास कोई 6-7 थे, लेकिन ये वाला जो बच्चा है ना, ये वाला, ये सारी चीज़ें गायब करता है। जो मोहम्मद अहमद है ना, वो इतनी चीज़ें गायब नहीं करते जितनी ये करता है। और साथ में जी ये पेंस इसकी लेके आई हूँ, ठहरे जी एक तो फोकस आउट हो जाता है, हाँ जी ये इसकी पेंस लेके आई हूँ। और हाँ, और जी रास्ते में सबसे ज़रूरी ये गार्बेज बैग में लेके आई हूँ, ये जो है ना मेरे पास ख़त्म हुए हुए थे। और आप यकीन जाने के मतलब जो गार्बेज बैग हमें जैसे ये स्टोर्स वगैरह से, जैसे मैं जरासन से अपनी ग्रॉसरी करती हूँ या और किसी शॉप से करती हूँ, तो वहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं गार्बेज बैग के, उन्होंने बनाए होते हैं बंडल्स होते हैं, वो मैं लेके आती हूँ। और पिछली 2 दफ़ा से मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि वो इतने 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 हल्के थे कि एक ये बैग भी उसके आगे मजबूत था, वो ऐसे पकड़ते थे ना तो वो फट जाता था। और जब उसमें गार्बेज कूड़ा वगैरह डलता था और उसको निकालते थे ना, तो नीचे से सारा कूड़ा गिर जाता था। तो उससे ना मैं पिछले कितने दिनों से मैं जो हूँ ना, वो थक गई थी कि मैं अब क्या करूँ। ये हाँ जी पेंशन है, ये पार्टी मेरी पेंशन है। अच्छा, तो अब मैं ना ये फिर ये ज़रा बड़े वाले बैग लेके आई हूँ डस्टबिन पे लगाने के लिए, और ये काफ़ी मजबूत भी हैं, और ये मुझे काफ़ी सस्ते मिल गए हैं। ये मतलब मुझे वो बता रहे थे 240 पर केजी मिल रहे हैं, तो मैं हाफ़ केजी, उन्होंने मेरे ख्याल से हाफ़ केजी से थोड़े से ज़्यादा ही हैं, तो ये मेरे जी 130 के इतने ज़्यादा आ गए हैं। और मतलब अगर आप मंथली में लगा लेना कि 30 डेज़ हैं, तो 30 बैग्स भी आ जाएं, चलो 40 आ जाएं, क्योंकि कभी ज़्यादा भी लग जाता है तो ठीक होता है। और ये वाला जो सारा सामान है ना, आप महंगाई का दौर देख लें कि ये जो सामान है ना मेरा, सिर्फ ये एक बुक, एक स्केच बुक, एक ये नोटबुक, और ये पेंस और पेंसिलों वाला पैकेट, और वो स्टेपलर, ये मेरा जी तकरीबन 2000 में आया है। सिर्फ इतना सा सामान मेरा जो है ना तकरीबन 2000 में आया है। आप हिसाब लगा लें कितना जो है ना, कि बच्चों की बुक्स लेने जाओ, और अभी हमने इनकी नोटबुक्स ले ली हुई थी, और बाकी दूसरी चीज़ें जो थी कलर्स पेंसिल्स और ऐसे वाले पूरे पूरे पैकेट स्कूल्स में मंगवाते हैं वो, और जो भी उनकी डिमांड्स थी वो पूरी की हुई थी, वो सारी नाम। अच्छा कह रहे जी स्केच बुक पे ना मेरा नाम लिखे हैं अभी, अभी अच्छा अभी लिख क्या धमकी लगा रहे हो मुझे? ये बच्चा जी मुझे धमकी लगा रहा है। चलो जाओ अभी। और ये जरा आगे से हटो, आपका कारनामा दिखाऊं। ये देखे जी पिछले दिनों ये मार्कर्स लेके आते थे, और इन्होंने जो ये देखे सारा, इस बच्चे ने यहाँ पे मेरा मार्कर लगा दिया। आज तक मोहम्मद अहमद ने ये काम नहीं किया, ये देखे जी स्विच बोर्ड पे भी। और अभी शुक्र है कि जो मेरी जो ये है ना वॉल, ये सारी क्लियर है, क्योंकि मैं इनको पता कहकर इन्होंने वॉल पे लगाया ना, तो फिर इनको क्या पिटेगी? डांट भी पिटेगी, मार भी पिटेगी। चलें ठीक है जी। ये है जी शाम का टाइम, और हस्बैंड ने कॉल की थी कि बस मुझे जाना है एक जगह विज़िट करने, तो आप लोग साथ आ जाओ। तो बस फिर बच्चों को लेके हम जैसी भी हालत में थे उठे और आगे यहाँ पे विज़िट करने। ये है जी न्यू सिटी, लाहौर न्यू सिटी के नाम से, जैतून के नाम से है, और बहरिया भी इसके साथ लगता है बिल्कुल। तो काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, और बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ है अंदर अपना। यहाँ पे जी हम इनका ऑफिस देख रहे थे, और बिल्कुल सामने सीधा रोड पे ही इनका ऑफिस था, मेन ऑफिस था। बस यहाँ से विज़िट कर किया ऑफिस से, और फिर निकले। और ये जी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत सी, और अंदर से बिल्कुल इन्होंने इस किस्म का सेटअप किया हुआ है अपना। अभी आपको मैं आगे दूसरी वॉल भी दिखाती हूँ। चलें आप साथ साथ दूसरी वॉल भी देखें। और लेकिन आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।